सितारगंज राज के महाविद्यालय सितारगंज सिसोना में बीएससी वो बीकॉम के शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा चल रहे कर्मिक अंचल क्षेत्रीय विधायक सौरभ ने खत्म कराया और छात्राओं से एक सप्ताह का समय मांगा। और वही छात्र भूमिका चौहान ने कहा कि महाविद्यालय में बीएससी वो बीकॉम के कोर्स तो आया है, लेकिन अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है यहाँ पर, जिससे छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। हमारे महाविद्यालय में जो प्रोफेसर उपलब्ध नहीं है उसको लेके चल रहा है और आज तीसरा दिन है इसे करने का, और अभी तक ना तो हमारे कॉलेज प्रशासन इसको सुन रहा है और ना ही हमारे जो कुलपति महोदय हैं इस विषय को ना देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी में इस विषय को नहीं देख रहे हैं, और स्टूडेंट बहुत परेशान हैं। और इस तरीके से आज तीसरा दिन हमारे धरने का है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जब शुरुआत में जब बीएससी और बीकॉम में प्रवेश हुए थे तो बताया जा रहा था कि प्रवेशर कुछ समय बाद यहाँ उपलब्ध होंगे, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है और बच्चों को गुमराह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो हम कुछ छात्र नेताओं ने मिल के और सब छात्रों को ले के हम आज यहाँ तालाबंदी के लिए हम आक्रोश इतना है कि बच्चों ने कहा कि आज हमें तालाबंदी ही करनी है, क्योंकि बहुत समय से हमारे माननीय प्रधानाचार्य हमें कहते जा रहे हैं कि आज आएंगे प्रोफेसर कल आएंगे। तो मुझे लगता है कि 15 दिन बाद बच्चों के एग्जाम है और बीएससी बीकॉम में कोई भी अध्यापक उपलब्ध नहीं है, तो आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों का शोषण हो रहा है। और आज भारत देश को हम बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि हम अपने देश को एक अच्छा भविष्य देंगे और देश को कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, पर मुझे लगता है कि हमारे महाविद्यालय की अगर आप स्थिति देखें तो मुझे तो लगने वाला कहीं नहीं है कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं या वैसा कुछ है। हमारे विद्यालय में इतना शोषण हो चुका है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, उसमें हम लोग जो बैठे तालाबंदी की है। यदि सुनवाई नहीं हुई तो सुन ले हमारे राज्य के महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, हमारे कुलपति महोदय, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम आंदोलन करने के बाद होंगे और इसका जिम्मेदार हमारा महाविद्यालय प्रशासन, कुलपति महोदय और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। डिग्री कॉलेज में टीचरों की कमी के कारण बीएससी और बीकॉम में यहाँ के छात्र थोड़े परेशान थे, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं और उसके जो धरने में बैठे थे नियुक्ति कराने के लिए टीचरों की। तो आज सुबह ही मैंने डायरेक्टर एजुकेशन पंजी से बात करी है और उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है इनकी टीचरों की नियुक्ति यहाँ पर करा दी जाएगी। और जो एक्सटेंशन की इन्होंने डिमांड रखी है कि एग्ज़ाम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाई है इस कॉलेज में बीएससी बीकॉम में, तो उसके लिए हम वाइस चांसलर कुमाऊं यूनिवर्सिटी की पंजी से बात करके कोशिश करेंगे कि उसका एक्सटेंशन करें। स्टूडेंट्स को ना क्रमिक अनशन कह रहे हैं, वो कल भी किए थे, परसों भी किए थे, सांकेतिक धरना भी बता रहे हैं क्रमिक जो है। शिक्षकों की मांग है कि हमारे यहाँ साइंस में 3 पद रिक्त हैं, ये कॉमर्स में एक ही मात्र पद है वो भी रिक्त है, तो उनका कहना है कि परीक्षा नज़दीक है और इन विषयों में जहाँ लवली शिक्षक नहीं आए तो उसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। तो वो शिक्षकों की मांग के लिए बैठे हुए, तो हमने उच्च अधिकारियों को लिख दिया है और कई बार लिखा जा चुका है कि भाई यहाँ पर ट्रांसफ़र से अटैचमेंट से भेज दिए जाए कुछ लोग, और या फिर स्थानीय स्तर पर प्राचार्य को अधिकार मिल जाए कि भाई गेस्ट शिक्षक हम रख सकते हैं, उसमें तो काम चलाओ व्यवस्था में हम गेस्ट शिक्षक भी रख सकते हैं अगर आदेश आ जाते। तो अभी उनको कहा गया कि बहुत जल्दी इनकी समस्या का निराकरण होने वाला है, ऐसा हमने उच्च अधिकारियों से कहा। आपने सर बार तो लिखाइए कम से कम, केवल हमारे पास गणित में और इसमें बॉटनी में हैं हमारे पास प्राध्यापक आए, तो केमिस्ट्री जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री ये खाली है, तो और कॉमर्स में एक पद है हमारे पास, तो वो एक रिक्त है।